जब विराट कोहली का पता चला कि वो पहले दो टेस्ट मैचेस में अवेलेबल नहीं होंगे तो सबके जहन में बहुत सारे नाम आए थे कि रजत पाटीदार होंगे रिप्लेसमेंट, सरफराज खान होंगे या रहाणे या पुजारा, कौन आएगा रिप्लेसमेंट। लेकिन सबसे बड़ा नाम सबके जहन में यही था कि शायद से सरफराज खान को अब मौका मिल सकता है, बिकॉज इतने सालों से जो कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्म करते आ रहे हैं सरफराज खान, उसका फल मिलने का शायद वक्त हो गया था। लेकिन जैसे ही पता चला कि रजत पाटीदार वहां पर रिप्लेस कर रहे हैं विराट कोहली की जगह को, तो पूरे सोशल मीडिया फ्लड हो चुका था, बहुत सारे पोस्ट थे कि शायद से सरफराज खान को मौका मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिल रहा है इन सब के बावजूद। लेकिन सरफराज खान चुप थे और उन्होंने बोला कि मैं अपने बल्ले से जवाब दूंगा, और इंग्लैंड लायंस वर्सेस इंडिया ए का जो अनऑफिशियल टेस्ट चल रहा है वहां पर उन्होंने एक शतकीय पारी खेल दी है, वो भी 89 गेंदों में 100 बना दिए हैं। तो टेस्ट मैच को एकदम T20 क्रिकेट की तरह, ओडीआई क्रिकेट की तरह खेला गया है, एकदम धाकड़ बल्लेबाजी करी है सरफराज खान ने, और वहां पे बताया है और जवाब मांगा है फिर से सिलेक्टर्स की तरफ से कि मैं आपका दरवाजा खटखटाता रहूंगा, आप कब तक नहीं खिलाओगे वो देखने वाली बात होगी। और सरफराज खान जिस तरह से बल्लेबाजी करते जा रहे हैं वहां पे ऐसा लगता है कि वो इंडिया कॉल अप जो है वो ज्यादा दूर नहीं रहा होगा अभी, बट उम्मीद यही है क्योंकि जिस तरह से उनको इतनी बैकिंग मिल रही है पूरे सोशल मीडिया से, पूरी जनता से, इवन इरफान पठान ने रिसेंटली कमेंट किया था, ट्वीट किया था उनके लिए, तो अब देखना होगा कि कब तक वो बाहर रहते हैं टीम के इतना कंसिस्टेंट और इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद। तो आपका क्या कहना है इस न्यूज़ के बारे में कि क्या लगता है आपको, सरफराज खान को आगे मौका मिलने वाला है या फिर अभी भी उनको बहुत वेट करना पड़ेगा अपने मेडन इंडिया कॉलअप का? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर देना, और ऐसी वीडियोज देखने के लिए CG News को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।